भारत के कई नायक नायिकाओं से आप परिचित होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मनीलाल डॉक्टर नाम के एक नायक के बारे में सुना है? महात्मा गांधी जी के कहने पर 25 साल के बैरिस्टर मनीलाल मॉरिशस और फिजी में भारत वंशियों को शोषण से मुक्त कराने गए थे। 1883 में ब्रिटिश संसद ने दास प्रथा को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन उसकी जगह ले ली थी इंडेंचर्ड लेबर ने, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भारतीयों को अंग्रेजों के दूसरे गुलाम देशों में काम करने के लिए भेजा जाता था। इन देशों में भारतीयों को बहुत शोषण झेलना पड़ता। मॉरिशस में तो कई भारतीयों को खेत से कद्दू तोड़कर खाने पर भी 6 महीने की सजा हो जाती। महात्मा गांधी जी क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, इसलिए उन्होंने मनीलाल डॉक्टर को मॉरिशस जाकर भारतीयों की लड़ाई लड़ने के लिए कहा। उन्होंने भारत वंशियों पर लगे मुकदमे मुफ्त में लड़े और उन्हें अंग्रेजों की कठिन लीगल प्रक्रिया से आजाद कराया। इस तरह से उन्होंने भारत वंशियों को एक नई पहचान दिलाई और एक आवाज थी। यह मॉरिशस में आज भी 11 अक्टूबर को मनीलाल दिवस मनाया जाता है।